नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। नया साल आने में कुछ ही घंटे बचे हैं और ऐसे में 2023 की विदाई और नए साल के स्वागत में लोग जुटे हैं। पार्क, होटल और रेस्टोरेंट में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां जश्न मनाया जा रहा है। रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में भी जोरदार जश्न चल रहा है। डीजे की धुन पर जोरदार डांस चल रहा है और इस दौरान आकर्षक फाउंटेन शो का आयोजन किया गया है। मैं तो इससे पहले 2-3 यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन ये जो लाइव शो दिखाया गया है ये बिरसा मुंडा के बारे में, और भी हमारे जितने लोग थे, मतलब मुझे लग रहा है कि आज मेरे मालूम चला कि बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा क्यों बोलते हैं। और मुझे लगता है ये शायद अपने पूरे झारखंड की, बल्कि पूरे इंडिया में ये शायद पहला ऐसा शो होगा जिसमें लोग, आदिवासी समाज के लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या था कहानी और कैसे उनको मारा गया जेल के अंदर। बहुत अच्छा लगा हम लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत कुछ दिखा, उतना चीज का नाम कितना बता। पार्क तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसे कि ये बढ़िया चीज है कि यहाँ पर हमारा जो भी झारखंड का जो मेन है वो हम लोग को यहाँ पे शो के द्वारा दिखाया गया। साथ में यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी जो यहाँ पे शहीद हुए उन सब का यहाँ ये मूर्ति लगा हुआ, उनकी पूरी कहानी बता यहाँ पे दिया गया है। और साथ में ये जेल एक मतलब कि सभी को घूमने के द्वारा सबको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे कि लोग बिरसा मुंडा के बारे में और बढ़िया से जान सकते हैं और झारखंड की हिस्ट्री को बढ़िया से समझ सकते हैं। पहली बार आने का इतना बढ़िया देखा रांची में, हमको ऐसा नज़र नहीं आया। अब मैं अपने जो मित्रों को यहाँ पर आने का सलाह दूंगा कि भाई जरूर आएं और यहाँ देखें। पहली बार तो हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मनाली जाते हैं, हमारा रांची कम है क्या ये सबसे? इतना अच्छा इसका खूबसूरती, वेदर, क्लाइमेट, हिस्ट्री, हम लोग पढ़ते हैं ऑब्वियसली, बट जो देखे हैं आज बिरसा मुंडा के बारे में वो मतलब अनमोल है, बता ही नहीं सकते। हमारा हिस्ट्री, हमारे रांची का हिस्ट्री, हमारे भगवान का हिस्ट्री, बहुत अच्छा लगा। और सबको आगे के लिए हैप्पी न्यू ईयर। साल के जश्न की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब 2023 को अलविदा कहने का वक्त आ जाएगा और साल 2024 के स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। तो अमूमन पूरे देश में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही होगी, कैसे लोग 2023 को विदा करने की तैयारी में हैं और 2024 के वेलकम के लिए तैयार है। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी मौजूद है। सत्यव्रत, बिरसा मुंडा फन पार्क की तस्वीरें आपने दिखाई थी जो बिल्कुल मन मोहने वाली थी और लोगों को वहां पर जाना बहुत अच्छा लगा। लोगों ने और लोगों को भी सजेस्ट किया है कि वो भी जरूर जाए इस नए साल के खास मौके पर। अब चूंकि नया साल आने में थोड़ा ही वक्त बचा है और इस वक्त को लोग भरपूर इंजॉय करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि राजधानी रांची की अगर बात करें तो नए साल का जो यह जश्न है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, चाहे वो पार्क हो, पिकनिक स्पॉट हो, बार रेस्टोरेंट या फिर लॉन्च हो, लगातार वहां लोग जश्न की तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूं राजधानी रांची के सबसे प्रसिद्ध जाने माने बार लॉन्च की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि खासकर अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं में जो है वो इस नए साल के जश्न को लेकर जो है वो ज्यादा कर राजधानी रांची के जो युवा हैं अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हैं राजधानी रांची के बार, रेस्टोरेंट और लॉन्ज में, ताकि इस नए साल के जश्न को मना सके। एक कहावत है राजदा की, अंत भला तो सब भला।
रात 31 दिसंबर की इस रात को उत्साह के साथ जश्न के साथ मनाते हैं, तो आने वाला जो यह साल है 2024 है वो लोगों के लिए आकर्षक रहेगा, लोगों के लिए बेहद जो है वो जो खुशी वाला साल है वो रहे। यही कारण है कि लोग फिलहाल जश्न में डूबे हुए हैं। और हमारे साथ जो कायरो बार के संचालक हैं कुश अग्रवाल वो मौजूद है, और इनसे बात करते हैं कि नए साल को लेकर 31 दिसंबर की रात को लेकर क्या कुछ तैयारियां होती हैं आप लोग बार संचालकों का। हम लोग पहले सिक्योरिटी को पूरा प्लेस नजर रखते हैं कि हम लोग के सिक्योरिटी में कोई भी पिन पॉइंट मिस्टेक भी नहीं हो, और हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनका पूरा अच्छा से ध्यान रखा जाता है। एंड हम लोग डीजे हैवॉक और डीजे सैंटियागो को बॉम्बे से बुलाया है, पब्लिक को एंजॉय कराए जो, और कहीं भी बाहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग यहाँ पे पार्टी करवाने का। हम लोग इस बार को बहुत ही प्यार से और ढंग से करें, तो आपका जो बार है कायरो वो युवाओं के लिए ज्यादा पसंदीदा है, कायरो बार की क्या कुछ विशेषता है और नए साल के इस त्योहार में क्या कुछ खास है? हम लोग के कायरो बार यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर है, यहाँ यंग लोग आना चाहते हैं क्योंकि वो लाइफ फील करते हैं इस बार पे। और हम लोग का यही कोशिश होता है कि लोग जो भी आए उनको फुल सेटिस्फेक्शन मिले फुल सर्विस के साथ। हम लोग ने बाहर बॉम्बे से सेलिब्रिटी डीजेस को बुलाया है एंड बार टेंडर्स बुलाया है, शेफ बुलाया है, जो भी अपने यंगस्टर्स युवा हैं झारखंड के उनको फुल फ्लेज अपना सर्विस देने के लिए यहाँ पे इंजॉय करने के लिए 31st नाइट यहाँ पे पॉपुलर रहे, इनके लिए हम लोग ने पूरी व्यवस्था यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो कर्तव्य है इसे क्या चाहते हैं और कितना आकर्षित लगता है लोगों को? प्रदीप, ये हम लोग के ट्रेंड है इन हाउस, ये हम युवा लोगों को आकर्षित करते हैं कि ऐसा बात जगलिंग हो तो युवा लोग अट्रैक्ट होते हैं। कुल युवाओं के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र कायरो बार का यह जो कर्तव्य है। फिलहाल जो लोग इस तस्वीर को देख रहे हो कृपया अपने घरों पर इस्तेमाल न करें, और अगर आपको ऐसी कर्तव्य देखनी हो तो आप राजधानी रांची के जो बार है वहां आ सकते हैं। कायरो में जो प्रशिक्षित लोग हैं वो इस तरह के कार्य जो है वो चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल राजधानी रांची के बार की अगर बात करें तो बेहद जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और खासकर जो युवा है वो पहुंच रहे हैं राजधानी रांची के विभिन्न बार और इस तरह के जो कर्तव्य हैं उसे देखने के लिए और नए साल के जश्न को मनाने के लिए। तो राजधानी रांची में बेहद तरीके से जो है वो राजधा नए साल का जश्न मनाया जाता है, और जैसे जैसे कैलेंडर बदल रहा है, जैसे जैसे 2024 के कैलेंडर का समय नजदीक आ रहा है, लोग उतने ज्यादा उत्साह होते जा रहे हैं। जैसे ही कैलेंडर बदलेगा यानी कि अब से कुछ घंटे बाद जब 2024 हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो कैसे उसे जश्न के साथ मनाया जाए, कैसे उत्साह के साथ मनाया जाए, इसकी तैयारी जो है वो लोगों ने कर रखी है। तो फिलहाल नए साल के इस जश्न में धमाल देखने को मिल रहा है राजधानी रांची के बार और रेस्टोरेंट और लॉन्ज में। युवा जो है वो पहुंच रहे हैं इस बार में, कितना उत्साह है नए साल के इस जश्न को लेकर? बहुत ज्यादा, इनसे कुछ पूछ लीजिए। प्लान किया है दोस्तों के साथ पहुंचे हैं, कैसे नए साल का इस जश्न को? दोस्तों के साथ में, यहाँ फैमिली के साथ ही आए और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले 2024 में क्या कामना करना चाहेंगे कि कैसे या जो राज्य है जो समाज है आप लोगों के बेहतरी के लिए हो? हाँ, बेहतरी के लिए करियर पे फोकस करना चाहेंगे और अपना फ्यूचर अच्छा सिक्योर करना चाहेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो राजधानी में जिस तरह से अब बार और रेस्टोरेंट आ गए हैं, अब राजधानी रांची किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं रहा? हाँ जी बिल्कुल, और अच्छा है, काम हो रहा है तो और क्या कह सकते हैं, चाहते हैं कि और भी डेवलपमेंट हो और भी अच्छा देखने को मिले, बस थैंक यू।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के बार, रेस्टोरेंट और लॉन्ज में जो है वो नए साल को जश्न को लेकर जो है वो उमंग देखने को मिल रही है। लोगों में जो है वो काफी उत्साह है, खासकर युवा वर्ग में, और यही कारण है कि इस नए साल के जश्न को कैसे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाए इसकी पूरी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल बार संचालकों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं कि जो भी लोग बार रेस्टोरेंट पहुंचेंगे इस जश्न में उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आपके बार की बात करें तो क्या कुछ विशेषताएं हैं? हमारे बार में लगभग सभी गेस्टों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट, प्लस हम लोग डेकोरेशन भी करवाया है न्यू ईयर को देखते हुए, प्लस कुछ अच्छे ड्रिंक्स भी रखे गए हैं जिसको लोग एंजॉय कर सकते हैं, प्लस खाने का भी विशेष ध्यान रखा, स्पेशल मेनू रखा गया है कि गेस्ट अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा फूड का भी नॉलेज अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। और नए साल 2024 को लोग नाचते गाते छिड़कते हुए जो है वो उसका स्वागत करना चाहते हैं। हाँ जरूर, क्योंकि सभी गेस्ट चाहते हैं कि ये दिन का इंतजार रहता है सभी को कि 31st का, और होटलों में या फिर जहाँ भी जाए बहुत अच्छी तरह से मनाए, और इस पर हम लोग बहुत विशेष ध्यान रखे हुए हैं गेस्टों को एंजॉय करने के लिए। बाहर से डीजे भी बुलाया गया है उसके लिए गेस्ट भी अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। राजधानी रांची में भव्य और उत्साह के साथ नए साल को मनाने के लिए जो है वो कई प्रसिद्ध कलाकार जो है वो राजधानी रांची पहुँचे हैं, ताकि राजधानी रांची जहाँ धूमधाम के साथ नए साल का जश्न मनाया जाता है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफी उत्साह के साथ इस नए साल के जश्न को मनाए। तो फिलहाल राजधानी रांची के सभी बार, रेस्टोरेंट और लॉज में जो है वो इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। राजदा, चलिए सत्यव्रत, तो हर अमूमन हर लॉन्च, हर बार, हर रेस्टोरेंट में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग नए साल के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2023 को विदा की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। कोई ऐसे यूथ जो न्यू रेजोल्यूशन के साथ नए साल की तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई यूथ वहां पर आपको मिल सकता है? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वहां पर लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, आने वाले साल की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन हर एक इंसान का एक संकल्प होता है जो 2023 में वो नहीं कर पाए वो 2024 में करने की कोशिश होगी। तो ऐसी किसी संकल्प के साथ कोई यूथ नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि खैर अगर बात करें तो यूथ हमारे साथ है, और ज्यादातर जो यूथ है वो बार, रेस्टोरेंट और लॉन्ज में जो है वो नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। 2023 बीतने को है, लोग 2023 को अलविदा कर रहे हैं, कह रहे हैं नए साल 2024 के स्वागत में है। क्या संकल्प लिया है 2024 में आप युवा कि कैसे काम करे, कैसे अपना, अपने परिवार, झारखंड राज्य का नाम रोशन करें, क्या संकल्प ले रहे हैं इस नए साल में? संकल्प यही लिया है कि जो 2023 है इसको हम लोग अलविदा कर रहे हैं, और जो गलतियां हम लोग 2023 में किए हैं कोशिश करेंगे कि 2024 में वो गलतियां कभी नहीं दोहराए, और 2023 से ज़्यादा मेहनत करें और अपने परिवार पे ध्यान दें, माता पिता का ख्याल रखें, बस ऐसे। आप रांची के युवा हैं, 2024 में क्या संकल्प लिया आपने कि कैसे 2024 में आगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए नाम रोशन करें? हमारा संकल्प यही है कि रांची के युवा जो हैं, हम यूथ हैं, हम प्रेजेंट करते हैं, हमारे परिवार वगैरह सब सही सलामत रहें, हमारे यूथ जो हैं काफी आगे बढ़े, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, हम प्रेजेंटेबल रहें, बाकी जो लॉन्च है बाकी सब सेफ रहें, काफ़ी अच्छे तरीके से हम नया साल अपना मनाना चाहते हैं, और कायरो वगैरह जो है हमें काफ़ी इंस्पायर करता है, हम इसी जगह पे आते हैं, हमारे बड़े भाई हैं कुश अग्रवाल, उनसे ही हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ सही सलामत रहो, अच्छे रहो, बाकी उनका बढ़ावा दिया हुआ है हमें जो हम रांची में एक्सपीरियंस कर पहुंचे हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। कितना उत्साह होता है जब दोस्त आपस में मिलते हैं? देखिए आजकल तो बहुत कम ही आदमी लोग मिल पाते एक दूसरे से, इसी बहाने हम लोग मिल भी लेते, एक दूसरे का साथ भी मिल जाता, और क्या चाहिए। कुश अग्रवाल, क्या संकल्प लेंगे 2024 को लेकर, 2023 जिसे अब हम अलविदा कह रहे हैं और 2024 जिसे अब हम वेलकम करेंगे? अब इस नए साल में हम और बढ़िया ढंग से इस बार को बढ़ाएंगे, हमारे और भी नए काम आ रहे हैं,
22 बार प्रोजेक्ट में और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब हम लोग उसको नए ढंग से, नए सिरे से और आगे लेके जाएंगे। अब हम लोग तो हमारी भी यही कामना है कि नए संकल्प के साथ नए साल का लोग वेलकम करें। जो चीजें 2023 में नहीं हो पाई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसे 2024 में जरूर पूरी हो, लोगों की यही कामना हमारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।